Assalamualaikum beautiful people out there, कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to my channel Reaction by Ruby. और आज मैं करने जा रही हूँ react. अब मैंने एक पोल डाला था और आप लोगों ने बोला मेरे को किस पे react करना है. 76% लोगों ने मुझे कहा कि मुझे react करना चाहिए अगेन अहमद खान के podcast पर. तो मैं आज करने जा रही हूँ फिर से react अहमद खान के podcast पर. और आज की कल ही वीडियो आई है, इंडिया से आए मेहमान कौन. चलो आप मेरे साथ रहे एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 2 3 एंड लेट्स. बच्चा साहब एक सवाल, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन. मैं सोच रहा हूँ ओपनिंग में पूछ लूं. ये कौन पेशाब का इशारा करने वाली उंगली? पहला पर्सन कहाँ है? कहाँ है? घूमे. फील्ड में आने से पहले मिमिक्री करते थे? हाँ बिल्कुल करते थे. किसकी किसकी? मैं ओम प्रकाश की करता था. करें करें. अरे कौन दद्दू? कैसा दद्दू? मैं तो दद्दू बता रहा हूँ, मैं किसी दद्दू को नहीं जानता. मैं तो ये जानता हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करना था. बरकत और उसमें भी हंसी छूट गई यार. ये कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर करना गलत बात है. क्या अच्छा साहब आप इतने ज़हीन हैं माशाल्लाह. माशाल्लाह. ये बताइए खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल गर्ल. नहीं, आई लव यू. बताइए ये सवाल लिख के कौन देता है आपको? कौन बनेगा करोड़पति का स्क्रिप्ट कौन देता है आपको? यार ये मैं नेट से निकालता. जिन लड़कों से कौवा भी रोटी का टुकड़ा छीन कर उड़ जाता है ना, वो लड़के भी लड़कियों से कह रहे हैं जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता. भाई दो दफा धोखा हुआ, एक दफा देते वक्त एक दफा लेते वक्त. क्या क्या चीज क्लियर धार? मेरी बेगम मुझसे कह रही कहीं घुमाने लेके चलो, मैं उसे कब्रिस्तान लेके. कह रही ये क्या मजाक है? मैंने कहा पगली लोग मरते हैं आने के लिए. मोबाइल से याद आया एक लड़की मुझे कह रही आज मेरी अम्मी ने मुझे डिजिटल सजा दी. मैंने बोला क्या? कह रही मेरा चार्जर ही छुपा दिया. ये स्क्रीनशॉट को उर्दू में काले करतूत कहते हैं. इसको मैंने देखा है कि तमिल फिल्मों में इज्जत लूटता है, मैं जानता हूँ उसको. अच्छा है बच्चा ने तय हो रहे होंगे ना, तो लड़की वाले ये पूछेंगे आपका लड़का बिजली का बिल भर सकता है? कहते हैं कि मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर. मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर. मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर, टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलता. अस्सलाम वालेकुम बरकत उस्मी भाई. वालेकुम अस्सलाम. यार ये कभी आपने ऑनलाइन कोई चीज मंगवाई है? नहीं, मैं जो चीज मंगाई वो आती नहीं, वो नीचे से मिल जाती है मेडिकल स्टोर से. नहीं अभी मैंने, मेरा ऐसा इत्तेफाक हुआ, मैंने शलवार कमीज ऑनलाइन ऑर्डर किया. यार दो शलवारें आ गई. मर्दानी? हाँ. तो कमीज नहीं थी? नहीं नहीं, ये शलवार मैंने देखी नहीं, मेरा मूड ऑफ हो गया. आप शलवार नहीं? शलवार भी 14 अगस्त की आई है, घेर वाली. अच्छा मैं समझ गया. और कुर्ता 15 अगस्त का होगा. अगस्त नहीं, गज. अच्छा आया नहीं, दो शलवारें आ गई. अच्छा चो तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा, ये तो ड्रामे का नाम हो सकता है, जैसे तीन तलवार ऐसे दो शलवार. नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभी आदमी क्या मंगवाता है और क्या आ जाता है. आज के जो हमारे मेहमान है, मैंने इंडिया से बुलाया था अमिताभ बच्चन साहब. क्या बात है, क्या बात है. वो लाइन अप हो गए थे. अरे हाँ आ रहे थे हमारे पॉडकास्ट में. हमारी पॉडकास्ट में अमिताभ बच्चन साहब आ रहे थे. क्या बात है. लेकिन बीच में एक नंबर मिल गया गलत. सस्ती कॉपी आ गई. अमिताभ बच्चन आ गया है, मैं आपको दिखाता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. भाई आगे बढ़ते रहो और आसमान को छू लो. आगे बढ़ते रहो और आसमान को छू लो. पापी 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 छू लो. पापी 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 इंगामे इंगामे कनस्तर आ और ढक्कन आ आ आ आ आ आ आ आ. ये सोफा है. सोफा है. हम कब कह रहे बगैर. ये कौन बच्चन साहब आ गए? ये आ आ क्या कर रहे हैं यार? अरे भैया वो कबूतर भी तो पाले में तो आ आ नहीं करेंगे तो फिर क्या जा करेंगे? अच्छा एक बात बताएं, आपकी फिल्म थी मर्द और अच्छा कॉपी ले लेते को कभी कोई नहीं कोई नहीं बरकत को बना के बिठा देते हैं. अमिताभ बच्चन ज्यादा अच्छी कॉपी कर लेते हैं. आपने क्यों कहा था कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता? तो वो मर्द की बात कर रही थी. आप कौन से मर्द हैं भाई? अरे वो बहुत अच्छे. अच्छा आप मर्द को कभी दर्द नहीं होता? नहीं होता इनका. मेरा ख्याल जिप में कभी हुआ नहीं है मामला. अच्छा बच्चा साहब एक सवाल, एक सवाल जिप में आया था. मैं सोच रहा हूं ओपनिंग में यूनिवर्सिटी में है कौन पेशाब का इशारा करने वाली है. यूनिवर्सिटी में जिप में आ रहे हैं उसकी. ओए 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 बच्चा साहब मैं पर मैं लगा सकता हूं कि चाचा बच्चे हैं. ये लगा कि मेरे इज्जत कर रहा हूं बच्चा साहब. नहीं तू हमसे बदतमीजी करके देख तो सही. अरे बच्चा साहब मेरी ऐसी औकात नहीं है आपसे बदतमीजी करूं. क्योंकि आप पैदा हुए डॉक्टर ने कहा मुबारक हो बदतमीजी भी है. अब तो मैं क्या कहा यार, ये है कौन पपीते की शक्ल वाला भाई? अरे ये आप बहुत अच्छे. आपका नाम ये अपना अमिताभ अमानुल्लाह तो नहीं है?
अमिताभ मामा लूला हाय आप झुकते मार रहे हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है बच्चन साहब, कीजिए मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि हमारे यहाँ मर्द हजरात जो हैं वो बचपन में बड़ा करने में लगे रहते हैं और जवानी में खड़ा करने में लगे रहते हैं? हाँ बच्चों को, हाँ नहीं बचपन में बचपन में अपने सपनों का महल बड़ा करने में लगे रहते हैं और जवानी में अपने सपनों का महल खड़ा करने में लगे रहते हैं? अरे भाई जिया है ये क्या, ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं हमें? ये मैं आपको जिया भैया कोई नहीं है, ड्रामेबाजी नहीं करें। ये अभी अमिताभ बच्चन तो कॉपी आ गया, ये जिया बच्चन जो स्टार हैं इंडिया की और पाकिस्तान की, इन्होंने अपने ऊपर तारी किया हुआ है कि मैं वही हूँ, मेरी बेगम का नाम भी वही है। तो भाई आप अच्छा वो आपका डायलॉग आजकल बड़ा मशहूर हो रहा है, हर मीम में होता है। हाँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है? हाँ। ये कोई ऐसी लापरवाही की हो जो आपको याद हो अभी तक? इसके अलावा आपने कोई लापरवाही की हो? कितने साल की हो गई वो लापरवाही? अरे भैया अहमद भाई आप भी शुरू हो गए हैं। करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, मुझे मजा नहीं आ रहा था इसलिए मैंने वीडियो बंद कर दिया, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन कम और ना पाकिस्तानी वहीद मुराद और धर्मेंद्र और इन सब का जो है ना वो मजमुआ टाइप सा लग रहा था, क्योंकि मुझे बिल्कुल मजा नहीं दे रहा था। मैं कहा अमिताभ बच्चन और कहा उसकी कॉपी बनानी है तो कम से कम थर्ड क्लास कॉपी तो बनाओ, ये तो नेक्स्ट लेवल की कॉपी थी कोई, अमिताभ बच्चन इन अदर वर्ल्ड जी थी। खैर एनीवेज इट वाज एन आई पॉडकास्ट, अगर आपको अच्छा लगा हो आगे का अगर कोई इंटरेस्टिंग कुछ है तो मुझे नीचे कमेंट में बताओ, हम उस पर भी रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग एंड शेयरिंग माय वीडियो, प्लीज कंटिन्यू रखिए एंड आई विल बी रियली थैंकफुल फॉर दैट। ठीक है मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, टिल देन एडियोस।